ओके, फॉर ही फॉरबेड एडल्ट्री एंड हैज परमिटेड मैरिज. सर कंपैरिजन क्या है साहिल भाई, एडल्ट्री में और शादी में फर्क क्या है? इस्लाम के मुताबिक दोनों में सेक्स होता है, फर्क क्या है? एक में लीगल है, एक इलीगल है. वो कह रहा है उसी तरीके से, उसी तरीके से नबेज हराम, हलाम नहीं है, क्योंकि नबेज एक हलाल चीज है, हमारे नबी ने पी है और उसने कहा पियो पियो मगर टुन ना होना, लिहाजा ये हलाल है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैरिज में भी सेक्स करते हो, एडल्ट्री में भी सेक्स करते हो, लेकिन एडल्ट्री का सेक्स हराम है, मैरिज का सेक्स हलाल है. ही हैज फॉरबिडन पोर्क एंड हैज परमिटेड कैमल मीट. मीट मीट हलाल है लेकिन ऊंट का, लेकिन पोर्क का नहीं. हैज फॉरबिडन सिल्क एंड हैज परमिटेड कॉटन एंड लीन. सिल्क को किया है, कॉटन को नहीं किया है. तो भाई इसी तरीके से नबेज हलाल है, हमें वाइन पीनी है पीने दो, और कम अल्कोहल की क्वांटिटी वाले हम पिएंगे. एंड हैज फॉरबिडन रेड्स एंड परमिटेड स्पॉइल्स एंड हैज फॉरबिडन ट्रांसग्रेशन एंड कॉन्क्वेस्ट एंड हैज परमिटेड जिहाद. कहता है जिहाद में भी तो वही करना है ना, लोगों के ऊपर रेड करनी है, कॉन्क्वेस्ट करनी है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट नहीं कर सकते आप, जिहाद कर सकते हो. कहता है इसी तरीके से, इसी तरीके से अल्लाह ने वाइन को ब्लेस किया है. अल्लाह ने कहा है ये मेरे रिस्क के हलाल है और मेरी निशानियां हैं, आयात है मेरी, ये मेरी आयात है, बता रहा है. He must replace it with something permissible. इसी तरह अल्लाह ने उसको रिप्लेस किया permissible में. There is nothing of its kind. साहिल साहब ये last चीज जो है ना बहुत important है. साहिल साहब ये last चीज यहाँ पे कहता है कि जन्नत में आपको शराब मिलेगी. अगर आपने इस दुनिया में शराब पी नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कि शराब जन्नत में जब मिलेगी वो अच्छी चीज है? क्योंकि आपने पी नहीं, आपने चखी नहीं, आपने उसको स्मेल नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं किया. अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको कैसे पता लगेगा जन्नत की शराब अच्छी है? लिहाजा अल्लाह ये कर ही नहीं सकता कि आपको शराब ना पिलाए इस दुनिया में, क्योंकि अगर आप पियोगे नहीं तो जन्नत की शराब को कैसे पता लगेगा? सुनिए पढ़िए. देयर इज नथिंग ऑफ इट्स काइंड दैट कैन रिप्लेस इट एक्सेप्ट वाइन. सो इट मस्ट बी परमिसेबल इन द लाइट ऑफ ऑल अदर फॉरबिडन थिंग. अमंग देम इज दैट गॉड ऑलमाइटी ही प्रॉमिस्ड अस वाइन इन पैराडाइज. उसने हमें जन्नत में वाइन का प्रॉमिस किया. एंड ओबीडियंट पीपल डिजायर इट, और जो उसको मानते हैं अल्लाह को वो उसको डिजायर करते हैं. एंड इफ द प्लेजर ऑफ इट इज नॉट नोन. अगर वाइन की प्लेजर, आए वाइन का प्लेजर हमें पता ही नहीं है, देन देयर इज नो डिजायर फॉर इट. तो फिर उसकी डिजायर ही नहीं हो सकती, फिर उसकी तमन्ना ही नहीं हो सकती. सो ही रिक्वायर्ड दैट दे मेक परमिसेबल व्हाट इंडिकेट्स इज प्लेजर. लिहाजा इसकी परमिसिबिलिटी होना जरूरी है ताकि मोमिनों को इसके प्लेजर का पता लगे, ताकि वो तमन्ना करें कि हमने जन्नत में जाने का है और वाइन पीने की है. एंड दैट डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग अदर देन वाइन. सो ही रिक्वायर दैट द वाइन बी परमिसिबल फॉर इट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल अदर डिजायर्स. सो द एविडेंस ऑफ वाइन बीइंग परमिसिबल फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इट्स मीनिंग. लिहाजा वाइन पीना परमिसिबल है टेक्स्ट से और उसके मीनिंग से. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहते हैं साहिल भाई? माशा ओम. मोमिनों की तो आज जन्नत यही हो जाएगी. कितने लोग तो चले गए होंगे वाइन खरीदने. अल्हम्दुलिल्लाह बैक से 3-4 मोमिन भाग गए. उनका ये तो उसने तो धोती खोल दी है. अरे इसने धोती खोल दी है, हम यहाँ रह के क्या करें. साहिल साहब इसको लोग छुपा के रखते हैं इन बातों को, हालांकि ये बातें करते नहीं. सर ये आप लोगों ने डॉग फाइट देख ली, हर बंदे का आर्ग्यूमेंट देख लिया, क्या क्या बंदा कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट दे रहा है. आदिल शाह ने तो इस चीज को पहले एक्सेप्ट कर लिया. आदिल साहब आपको डेटा भी मिल गया, टेक्स्ट भी मिल गया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या हो गया? मैंने कहा आपने पहले से कहा था कि वाइन हलाल है, हराम नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है? हाँ तो मैं तो पहले ही कहा था ना कि हराम नहीं है, तो फिर इतना सारा कोई इतना सा पढ़ के फायदा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह. अली खान साहब आ जाइए सर. अरे आदिल साहब आप वही है क्या जो उस दिन कैमरे के साथ आए थे?
कौन कैमरे के साथ जो आए थे आप, वही है क्या? दो दिन पहले बस कैमरा ही नहीं है, कैमरा ही नहीं है मेरे पास। अच्छा सेटअप विटअप, वो आप वो वाले है ना, वो आइंस्टाइन को ग्रेविटी के बारे में अल्लाह ने वही की थी, वही वाले हो ना? नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम आया, एक बार आया था तो मुझे वो जगह नहीं मिली था, फिर बाद में आप तीन चार तेल की कंपनी वाले नहीं है आप दुबई में? आपकी तेल की कंपनी थी ना? नहीं नहीं मैं तो गुजरात में हूँ भाई। अच्छा ठीक है। जी अली खान साहब क्या कहते हैं सर आज की इतनी रिस्पेक्टफुल डिस्कशन का, जिसमें वाइन आपके नबी ने हलाल की है और कहा है पीते वक्त तो उसमें थोड़ा पानी डाल लो ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जा सके, बस टुन ना होना लेकिन शराब पीना। सर क्या कहते हैं इस पूरी तफसील को जो आपके स्कॉलर ने डॉग फाइट किया आपस में? आप सारा बैठ के पीछे सुन रहे थे जब मैं सारा दिखा रहा था। ये बिल्कुल सही बात है, शराब सर जी बोलिए ऊंची। शराब अच्छी चीज है यार, अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। शराब अच्छी चीज है, पीनी चाहिए। ऊंची बोले सर। शराब अच्छी चीज है, पीनी चाहिए सर। अच्छा सर जब आप माइक सही कर लेंगे आ जाएगा। पागल का बच्चा जी। मिस्टर रिस्पेक्ट अदर्स। जी मिस्टर रिस्पेक्ट अदर्स क्या कहते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए खैरियत? सर वाइन का एक ग्लास पी लिया आपने ना? जी भाई वाइन का ग्लास पी के आए हैं? अरे बिल्कुल नहीं भाई, शराब तो हराम है भाई। आपके अभी इतना मैंने पढ़ के दिखाया, अभी इतना पढ़ के दिखाया, वो कह रहे हैं शराब पियो लेकिन जरा उसको पानी डाल के हल्का कर लेना बस। नहीं नहीं भाई शराब तो हराम है भाई, मैं शराब ना पीता, मैं शराब पीने वाले से मैं बात करता हूँ। आपके नबी शराब पीता तो उससे बात करते हो? जी बिल्कुल नहीं भाई, मैं शराबियों से अपन बात करता हूँ। जी तो शराबी नबी को मानते क्यों? अरे भाई शराबी नबी होते कैसा भाई, नबी शराब पीते ही नहीं थे। मोहम्मद शराब पिया? अरे नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ये तुम बेकार के टॉपिक को लाओ भाई, कभी बेरोजगारी के ऊपर भी बात करो, कभी ये देख दूसरे रिलीजन के क्या है उसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर बात करो, हमेशा इस्लाम को टारगेट करना ये तो सही नहीं है ना भाई। आपका नबी शराब पिया उसका क्या करूं मैं? अरे नहीं पीते भाई नबी भी हमारे शराब वराब कुछ भी, ये फालतू के बकवास मत कर भाई। यार अभी इतना मैंने पढ़ के दिखाया आपको, आपने भाई ये आप सुनिए, ये एडिट करे भाई मेरे को बताइए मत आप, ठीक है ना? ये सब मालूम है भाई मेरे को, इस्लाम क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है, नबी क्या है, अल्लाह क्या है, सब मालूम है अल्लाह के फजल से। ये देखें आप ये एडिट करा हुआ बता के क्या है, मिसगाइड मत करिए किसी को भी, समझे आप? चलिए सर ठीक है, आपको पता ना यहाँ पे लिखा हुआ है आपके नबी ने काबे का तवाफ करते वक्त उनके पास वाइन लाई गई, उन्होंने उसको सूंघा, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने जमजम का पानी मंगवाया, वो पानी उसमें डाला, उसको लाइट किया और फिर उसको पी लिया। और फिर उन्होंने कहा अगर ड्रिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसमें पानी डाल के उसे तोड़ लिया करें पीने से पहले, क्या करूं? नहीं नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं भाई, शराब हराम है, वो पीना ही गलत है, उसमें पानी डाल लो भाई। भाई आपके सामने लिखा हुआ मैं क्या करूं? नहीं मानता भाई मैं ये चीजों को, आप जो लिखा हुआ है ना एडिट, इस चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता भाई। शराब हराम है वो बात खत्म है, यार कहाँ लिखा है, क्या लिखा है शराब हराम, शराब हराम है बात खत्म हो गई, उसके आगे कुछ भी नहीं। आप नबी पी गया, मैं क्या करूं? नबी पिए ही नहीं भाई, आप ये गलत बात मत बोलिए, आप इधर मिसगाइड मत करिए किसी को भाई, आपके क्या करूं? अरे मेरे भाई वो एडिट करा हुआ है साहब, यहाँ पे कोई भी एडिट करके कुछ भी डाल सकते, आप ही ने करा, आप यहाँ पे कौन बता रहे, आप ही तो लाइव स्ट्रीम कर रहे ना साहब, तो कोई भी बता सकते, लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। इस्लाम वेब का आर्टिकल, islamweb.net मेरा तो है ही नहीं भाई, कोई भी एडिट कर सकता साहब, आज का सोशल मीडिया का दौर है, आप इस्लाम को बदनाम करने के वास्ते लोग नए नए तरीके भी निकाल रहे साहब, कभी बेरोजगारी के ऊपर भी बोले। अरे जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, अरे मेरे भाई गलत है वो, बोल रहा ना मैं आपको कुछ है ही नहीं, साबित करना गलत है
तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं, इस्लाम में हराम है भाई शराब, वो बात ही खत्म हो गई, आगे कोई पॉइंट ही नहीं है साहब। अरे सामने लिखा हुआ नहीं सर हराम है, तुम शराब दिखा दो ना, छोड़ दो आज मत करो कल लेकर, दिखा दो कहाँ हराम है शराब हराम है, मान के पढ़ो आप पढ़े लिखे तो है ना, इस्लाम के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, भाई लाइव स्ट्रीम दिखा करना। दो ना भाई कहाँ हराम है। अरे मेरे भाई गूगल पे मार, मेरे भाई गूगल पे मार के चक्कर मालूम होता तेरे को इस्लाम में शराब हराम है या नहीं है। गूगल गूगल तुम्हारा अरे नबी है या गूगल तुम्हारी हदीस की किताब है? भाई तो ये क्यों बता रहा भाई तू, ये गूगल के पैसे निकाल के सो लाइव स्ट्रीम जो गूगल कर से रहा ना तू निकाला, ये। इस्लाम वेब डॉट नेट में आपकी अरे इमाम मत बता शाफी भाई, वो मैं इन आपसे चीजों कैसे पे दिखा भरोसा रहा नहीं हूं? करता हूँ भाई, भरोसा नहीं करता हूँ भाई, ये जो तू बता रहा ना गूगल एडिट पे करके कैसे कोई भी भरोसा बता सकते। करते अरे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अपने को भरोसा है भाई, और इस्लाम में शराब हराम है, बस बात खत्म हो गई, इसके हैं? आगे जिस कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट पे भरोसा है वो शराबी है, लिखा अबे तू है बे शराबी चोर, हुआ सामने है। तू निकल, अब उल्टे सिलते क्या है, मिसगाइड मत कर लोगों को ये इधर लाइव सामने स्ट्रीम लिखा पे। हुआ शराबी है तेरा नबी। अबे तेरा नबी तेरे भगवान है शराबी है रे, समझ रहा, उल्टे सीधे बात मत बोल इधर, अबे समझ रहा, मिसगाइड मत कर लोगों को। सामने लिखा उसका क्या करूं? हर वक्त इस्लाम को टारगेट कर रहा, मैसेंजरों को टारगेट कर रहा, कभी कभी बेरोजगारी के ऊपर बोल, गरीबों के बारे में बोल, अबे लेकिन मैं लोगों ये को खाने को खाना नहीं है शराबी देश नबी का में, क्या उसके करूं? बारे में बात कर। हर वक्त रिलीजन इस्लाम को टारगेट करना सही है रे लाइव स्ट्रीम पर। अबे अबे मैं कह रहा हूं शराबी नबी का क्या करूं भाई? शराबी नबी है नहीं रे दीवाने, पहले पढ़ नबी के सामने बारे में, तू तू लिखा ना मुस्लिम है, तू पहले ये बोल, तू मुस्लिम है हिंदू है, तू पहले ये बोल। मुस्लिम है रहने। रिलीजन हाँ तो पहले रिलीजन इस्लाम क्या है, तू पढ़ कुरान निकाल के पढ़। इस्लाम है शराब पीना नहीं हलाल। है रिलीजन इस्लाम में, ये सुन तू सुन, रिलीजन इस्लाम में हाँ शराब पीना हराम है, लेकिन हिंदू नहीं हिंदू रहा मेरे सामने लिखा हिंदुइज्म, नहीं सुन तू रहे। मेरी बात भाई, हिंदुइज्म रिलीजन में तो गई का पेशाब पीते ना रे भाई, तो तुम ऊंट ये का बोलना पेशाब तू, पीते रहने, तुम पीते ना रे भाई, मूत का पेशाब ऊंट नहीं का पीते, पेशाब गई का पीते पेशाब पीते रहने। ना, ये तो बोल तू। तो ठीक है ना, तुम ऊंट का पेशाब पीते ने। तुम्हारे अरे नहीं पीते रे भाई, हमारे इस्लाम में ये सब नहीं पीते, हराम की नबी चीजें, ने पूछा, समझा, चलो ऐसे ऐसे बोलो मेरे साथ नहीं पिए रे बोलो। हमारे नबी, हाँ बोल हमारे बोल नबी सुनो लोगों सुनो को सुनो। हिदायत दिए, समझा तू, हमारे नबी लोगों को हिदायत। हर वो बंदा जिसने कहा ऊंट का पेशाब पियो सेहत के लिए अच्छा है, तुम्हारी सेहत सही होगा, वो हरामी, बोलो। अबे वो हुंड का पेशाब पीना तू बोला रे भाई, हमारे नबी ने बोले, हमारे पीना तो नबी तो पियो, लोगों को हिदायत दिएगा। अगर मैं बोला तो मैं हरामी बनेगा ना, बोलो ना। जिसने बोला ऊंट का पेशाब पियो तुम्हारा पेट सही होएगा, वो हरामी, बोलो। भाई होंठ का पेशाब, हाँ, बोलो। जिसने बोला ऊंट का पेशाब पियो तुम्हारा सेहत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा पेट सही हो जाएगा, वो हरामी। अच्छा ये कहिए सुनी, सुना मत भाई, गलत बात है यहाँ बोली मत तू, समझा ना, अरे तेरे मैं कह रहा बातों हूं पे भाई, मैं भरोसा नहीं मैंने करता हूँ लिखा भाई। ना तो मैं हरामी बनेगा, तू तो नहीं बनेगा ना। अच्छा पहले तू मेरे को ये बोल, ये जो बोल रहा ना तू शराब पहले शराब का मेरे को गई ये तो क्या नहीं टॉपिक पहले है, मेरे मेरे को को ये समझा तो बोल पहले। ना, नहीं पहले ये बोल देना, एक बात खत्म करेगा ना फिर आगे चलेगा ना। पहले हाँ चल बोल बोल ना, बोल, सवाल पहले मेरे कर, से बोल, पूछ जिसने भाई। ऊंट का पेशाब पीने को बोला सेहत के लिए, दवाई के लिए, अच्छा वो अच्छा हरामी। अच्छा बता मेरे को तो कहाँ बोले, वो कहीं लिखा हुआ है क्या, बता। अरे मैं कहता हूं उसको हरामी बोलना, मेरे को अबे तू मेरे को लगेगी। तो प्रूफ बता बा, प्रूफ बता बेटे, पहले तू मेरे को मैं प्रूफ कुछ कह रहा, बता, तेरे खाली नबी ने बोलना हवा महल के बोला। बात करने से नहीं होता, समझा ना, खाली तेरे अरे सने ये सुन ना हजारों के जो लाइव बे, स्ट्रीम लोग जो देख रहे और ना तेरे सुन ना पास, बे, मैंने सुन रहा कहा ना, दे, मैं लोगों को मिसगाइड भाई जो वो सुन, और मिस गाइड दे कुछ लग दे सगर तो लेना। अरे मैंने कब बोला तेरे नबी ने बोला? मैं तो कह रहा हूँ बोल, जिसने बोला वो हरामी, बोल। हाँ ठीक है ना, तो प्रूफ बता बे, तू प्रूफ बता। अबे मैंने कब कह, तेरे नबी ने बोला, हिंदू खुदा ने बोला होगा, तू बोल अच्छा लेना, जिसने बोला वो हरामी अच्छा बोल तू, दे। अरे कैसा बोलू मैं, तू मेरे को प्रूफ बताना, अगर अल्लाह ने कहीं बोला, कहीं नबी ने कुछ अरे बोला तो मेरे को प्रूफ बता तू। मैंने कब कहा अल्लाह ने बोला, तू हाँ बोल दे तो जिसने बोला फिर वो हरामी। अबे मैं कहाँ बोला रे भाई, आराम ही बोल के, खून के पेशाब की तो बात करा ही नहीं हमें, मैं तो गई के पेशाब की बात करा जो हिंदू लेकिन मैं रिलीजन ऊंट में के पीते। पेशाब की बात कर रहा ना, जो बोले ऊंट का पेशाब पियो दवाई के लिए, वो हरामी, बोल। अच्छा अब कैसा जली तेरी, मैं हिंदू रिलीजन के बारे में बोला तो जल गई ना तेरी अरे अब। मैंने क्या कहा भाई, तू मुझे तू बेटे खाली मुझे लाइव स्ट्रीम चलाने से कुछ चल भी नहीं ऐसा होता, करते हैं, बात ऐसा करना है ना, करते हैं। सुन अरे बात भाई करना पहले है ना बोल तो लाइव देना, स्ट्रीम में, सुन। सुन ना, तुझे गाय के पेशाब पे मसला है ना, तो तू बोल दे ऊंट के पेशाब के ऊपर, मैं तेरे साथ गाय के पेशाब पीने वाले के ऊपर बोल दूंगा। और बता, तू पहले ऊंट के पेशाब पीने वाले पे बोल, गाय के पेशाब पीने वाले पे मैं बोल दूंगा, बोल। चल बोल।
हाँ सुन पहले मेरी बात, हमारे रिलीजन इस्लाम में ऐसा कहीं हैश नहीं रहे भाई, कहीं की कोई से भी तुझे जानवर का मसला ही कोई नहीं? पेशाब पीना, समझा अरे ना तू? हाँ फिर तुझे मसला ही कोई नहीं है, बोल दे जिसने भी बोला तो फिर ऊंट का फिर ये पेशाब तो किया बात हुआ करी मत हरामी। भाई, तो बात करी मत, तो न्यूट्रल रहे सबके साथ, समझा ना? रिलीजन इस्लाम न्यूट्रल हिंदू या रहूंगा ना हिंदुइज्म भाई, नहीं है, भाई सबके साथ मैं न्यूट्रल न्यूट्रल रहे। भाई, हेलो भाई मैं न्यूट्रल रहूंगा। तू मुझे बोल दे जिस जिसने ऊंट का पेशाब पीने को बोला वो हरामी, बोल दे। तुझे तेरे तो दीन में नहीं लिखा ना, तुझे क्या टेंशन है? अच्छा तू ये बोल रहा ना भाई, कहीं बता मेरे को, तू प्रूफ बता, कौन बोले होंड का पेशाब पिया मैं बोल के, कह जरा रहा हूँ मेरे को भाई, बता। जब जब तुझे पता है कि तेरे किसी स्कॉलर ने बोला ही नहीं तो तुझे क्या तकलीफ है, बोल दे जिसने अरे नहीं ऊंट का बोलता पेशाब। भाई मैं, अरे मैं क्यों बोलूं भाई, अगर उसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो क्यों बोलूं मैं? तू बोल तो इसीलिए जबरदस्ती तो का बोल क्यों दे बोलूं? ना, किसी अपंग अरे ने नहीं बोला होगा, बोलता किसी भाई मैं, हरामी ने अरे बोला मेरे होगा। को नहीं, झूठ बात क्यों बोलूं भाई मैं, क्या तो मतलब? जबरदस्ती मेरे मुंह से। सुन 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 सुन, तुझे लगता है कि ऊंट का पेशाब पीने वाला, चलो ऐसा करो कि इंतहाई अपंग और जाहिल बंदा होगा जिसने कहा हो ऊंट का पेशाब पियो दवाई के लिए, बोलो। नहीं भाई मैं बोलना ही नहीं चाहता इस बारे में, तू क्यों क्यों नहीं बुलवाना बोलना चाहता चाहते? है मेरे मुंह देखो से? तुझे बात सुन, तो फिर इसका मतलब है तुझे गाय का पेशाब पीने में भी मसला नहीं होना चाहिए। अरे क्यों पियो भाई, मैं गई का पेशाब, तू पी गई का पेशाब, तू पी भाई, ओके हम तो जमजम का पानी पीते अल्लाह के फजल से, हमारे कोई जरूरत ही नहीं है तुम जमजम का गई का पानी पेशाब पीते रहो, पीने मगर की। मुझे ये बताओ फिर जिसने ऊंट और का पेशाब फिर पीने को बोला वो पागल का बच्चा। क्या अरे किसने बोला भाई, प्रूफ बता मेरे को, तू मैं क्यों बोलू, पहले तू सवाल का जवाब दे, किसने प्रूफ भी बता। बोला? तू ये तो अरे नहीं बोलना, बोल, हाँ तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे तू, जब मैं तेरा बाद सवाल का में, जवाब पहले दूंगा तो किसने पहले नहीं, बोला बोल पहले इस मेरे बात, ये पेशाब पे पहले बात करेंगे हम। तू बोल दे कि को? जिसने हाँ ऊंट का पेशाब पीने को बोला वो बोल। हरामी। अच्छा किसने बोला पहले तू मेरे को ये बोल, फिर उसके बाद जवाब दे तू, तेरा किसने मैं बोला बात भाई? कोई करते फिर होगा शायद। पागल का बच्चा जिसने बोला होगा। नहीं 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 पागल का बच्चा नहीं रे भाई, क्लियर कर, इतने लोग देख रहे तेरी लाइव स्ट्रीम पे, तो पहले क्लियर कर किसने बोला अरे ऊंट का वो पेशाब बाद में पिया बोल के, क्लियर करेगा, प्रूफ पहले ये एविडेंस दे, इधर बोलना। अरे एविडेंस जो बताना ना तो स्क्रीन पर एविडेंस दे सबके सामने, किसने कहा मुझे बता। क्या पता किसने कहा है, तू हाँ ये तो तो फिर ये बोल सवाल दे। तो तेरा गलत है भाई, सवाल छोड़ दे तू, ये जो भाई ऊंट का बोल रहा है ना, सवाल छोड़ दे, तेरे पास प्रूफ नहीं है ना, सवाल क्यों कर रहा है तू फिर? जो भी ऊंट का पेशाब पीने को बोले वो सही होएगा? तो प्रूफ बताना भाई, किसने कहा पहले, प्रूफ बता तू, जब मैं जब बात मैं करूंगा कह तेरे रहा हूं से भाई आगे। कुछ टेंशन ही नहीं तुझे, जिसने भी कहा अबे टेंशन तेरे की बात ही ख्याल नहीं, से। तू सिर्फ ये बता, तेरे ख्याल से ऊंट का पेशाब पीना बकवास है या सही बात है? चल पहले ये बता दे। अच्छा सुन मेरी बात, सुना ये घूंट का हमारे रिलीजन में तो देख भाई किसी का भी पेशाब पीते ही नहीं, वो हिंदू रिलीजन में पी लेते थे गाय का पेशाब, मैंने साफ पूछा है, साफ बात ये सवाल ही नहीं है मेरा, सुन तू। हाँ तो ये पहले सवाल ही तू नहीं मेरे मेरा। सवाल का जवाब दे भाई, तू सवाल का जवाब। नहीं, सबसे पहले मुझे ये बोलो कि जिसने भी ऊंट का पेशाब पीने को बोला है वो पागल होगा, बेवकूफ होगा, जाहिल होगा, कुछ भी बोल दो, ताकि पता लगे कि तुझे वाकई तुझे यकीन है कि पेशाब पीना एक अपंगता है, बोल दे। अच्छा ठीक है भाई, तो मेरे सवाल का जवाब तू सुन, किसने कहा गई का पहले पेशाब जवाब पियो दे। बोल के, सुन भाई किसने कहा गई का पेशाब पियो बोल के, तू मेरे मैं को जरा तुझे प्रूफ 10 सेकंड और दे रहा एविडेंस हूं, के साथ अगर बता तू दे। बोल देगा ऊंट का पेशाब पीना गलत है तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो तू जा रहा है, बाय बाय हो रहा है। हाँ तू भी बोल भाई, तू भी अगर बोल देगा गई का पेशाब पीना गलत है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ, बोल हाँ तू बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मुझे तू गई का बता दे पेशाब जल्दी, पीना बोल। भाई। बिल्कुल अच्छा गलत है, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब सुन तू। अब तू भी बोलना। हाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ भाई, तो हाँ पहले तू बोल। ये बोल मेरे को खून का पेशाब पीना किस, कुत्ती माँ का बच्चा है तू, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तू। इसने नाम अपना साहिल पता क्या रखा हुआ है? रिस्पेक्ट अदर्स, ये इसने नाम रखा हुआ अपना, ये रिस्पेक्ट अदर्स, ये है इसकी। अगर इसको जरा सी भी शर्म है और ये एक बाप की औलाद है और कुत्ती माँ का बच्चा नहीं है ये, तो अब ये आके बोले कि हाँ ऊंट का पेशाब जिसने भी कहा है वो गलत इंसान है, बुरा इंसान है, जाहिल इंसान है, बोल सुन मेरी बोल बात, अब, मैं बोल। तो एक बाप की और एक माँ की औलाद हूँ, तू चल सुअर का दफा हो बेटा जा, है, माँ की और है। चल दफा हो, कुत्ती माँ का बच्चा, दफा साला। ये हालात है इन लोगों के, ये कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए जबकि ये लोग रिस्पेक्ट के काबिल हैं ही नहीं, दे आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ये 10 बाप की औलाद है।